सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड शॉट 500 की एकदम डिटेल भाई स्पेशल इसकी टाइमिंग फ्लिपर वगैरह पे जो भी मिस्टेक होती है भाई, बॉडी पे बॉल लग जाती है, तो भाई उसके डिटेल रिव्यू हम करने वाले हैं। और गाइज, इस शॉट के रिव्यू की रिक्वेस्ट करी थी हमजा हमीद ने भाई, इन भाई का रिक्वेस्ट है कि 500 गोल्ड शॉट का रिव्यू करो। तो भाई एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद देखना गाइज आपकी कितना अच्छे तरीके से आप इस शॉट को खेल पाओगे अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो। चलिए सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको शॉट मैप के अंदर आना है। ये गोल्ड शॉट है तो आपको इससे परचेज करना पड़ेगा 8 गोल्ड फ्रेगमेंट दे करके, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कि शॉट को स्पेशल में आपको देखने को मिलेगा 4 o'clock पे। सारे टाइप के बैट्समैन्स के लिए शॉट अवेलेबल है, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे रख के आसान तरीके से इसे सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे कि किस किस लेंथ को ये शॉट कनेक्ट करता है। तो आसान तरीके से देखिए, आप रैंक में तो देख ही लोगे, लेकिन पहले ये स्पोर्ट्स में देखो, पट्टी वाली यॉर्कर हो तो 110% कनेक्ट करता है, डीप यॉर्कर हो तब भी कनेक्ट करता है। फुलर लेंथ भी देखो यहाँ पे। चलो सबसे पहले डीप यॉर्कर देखो, आसानी से कनेक्शन बनाता है। एज लग गया है क्योंकि पोजिशन थोड़ी सी गलत थी। फिलहाल यहाँ पर देखो पट्टी वाली और एक बार और देख लो, आसान तरीके से भाई एक एक पॉइंट क्लियर होगी। तो भाई बस थोड़ी देर की वीडियो है, 6 मिनट से भी कम की, तो थोड़ा सा आप टाइम देके इसे देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आप टाइमिंग मिस्टेक करोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन कनेक्शन बनता है गोल्ड लेंथ पे, ठीक है। यहाँ देखो आसानी से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अर्ली खेलना पड़ता है फास्टर के अगेंस्ट, ठीक है, फास्ट मीडियम के अगेंस्ट। देखिए आगे हम आपको और दिखा देते हैं, कटर बॉल थी, इसको भी गुड लेंथ पे गाइज, कटर बॉल को भी कनेक्ट कर लेता है, लेकिन प्रॉपर गुड लेंथ पे होना चाहिए, ठीक है। आगे हम आपको कनेक्शन प्रॉब्लम दिखाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडम जेम्पा की देखिए, फ्लिपर में अक्सर बंदे के साथ यही होता है कि वो कैच आउट हो जाते हैं, लेग स्पिन फ्लिपर को आप गेस नहीं करते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। तो भाई दूसरा यहाँ पे अगर खेलने जाओगे आप, तो एगर की दूसरा बॉल काफ़ी ज़्यादा बाउंस होती है, जिस वजह से आपको दिक्कत आएगी कुछ इस तरीके से। लेकिन आगे इसे खेलना कैसे है ये मैं बताऊँगा, तो टेंशन नहीं लेना, बस वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ देखो, थोड़ी सी बॉल ज़्यादा बाउंस होगी ना, पोजिशन गलत करोगे, कनेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। आगे एक बार और देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, पोजीशन कनेक्शन नहीं किया है भाई, बॉल की गुड लेंथ पे थी लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैंने हाफ स्टेप की डिस्टेंस रखी है और खेला है, आसानी से इस लेंथ पे कनेक्ट हो गया, यानी कि भाई इस प्रॉपर यही लेंथ पे कनेक्ट होगा। इससे हल्का सा अगर पीछे लेंथ रहेगा तो वहाँ पर कनेक्शन नहीं बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा इस शॉट के बारे में आप समझ पाओगे, ठीक है। आगे चलो पोजीशन की बात करते हैं कि किस किस पोजीशन पे इस शॉट को आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे कैरम बॉल हो तो आपको हाफ स्टेप की डिस्टेंस रख के खेलनी है कैरम बॉल के लिए। आगे देखिए, अगर कि मैं दूसरा बॉल खेलूंगा, यहाँ पे देखो हाफ स्टेप की ही डिस्टेंस रखा हुआ और आसान तरीके से इसे हमने खेल दिया है 6 रनों के लिए। ग्राउंड की साइज ज़्यादा बड़ी थी, इस वजह से 6 गया नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेट बॉल के लिए आपको हाफ स्टेप की डिस्टेंस रख के आसानी से इसे खेलना पड़ेगा। जब बॉल अंदर आ रही हो तो आप 1 स्टेप की प्रॉपर डिस्टेंस रखना, फिर शॉट को खेलना, आसानी से कनेक्शन बन जाएगा। और गाइस जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा आप पोजीशन इस शॉट को कर पाओगे, उतना अच्छा आपकी गेसिंग हो जाएगी, उतनी अच्छी आपकी टाइमिंग हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस, ठीक है। चलो टाइमिंग की बात करते हैं। तो देखो फुल स्पीड में अगर आपको यहाँ पे फ्लिपर बॉल मिले तो देखो, हाथ से गेंद थोड़ी सी जब रिलीज होती है ना उसी टाइम आपको बटन प्रेस करना है, हल्की सी यहाँ से जब गेंद रिलीज होगी उसी टाइम आपको प्रेस कर देना है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी होगा, मैं रोक के भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, अगर बिल्कुल लेग स्पिन होगी फुल स्पीड में तो हाफ पिच पे खेलना है, अगर लेग स्पिन होगी फुल स्पीड में हाफ पिच पे खेलना, देखो कितना अच्छा तरीके से इसे 6 रन मारोगे, अच्छा टाइमिंग कर पाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे फुल स्पीड में अगर कैरम बॉल हो तो सेम टू सेम फुल स्पीड फ्लिपर की तरह इसे खेलना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे खेलोगे आपकी अच्छी टाइमिंग हो जाएगी और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसे आपको 6 देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अर्ली खेलना होता है कैरम बॉल पे, फुल स्पीड दूसरा होगी तो सेम टू सेम आपको लेग स्पिन से जस्ट हल्का सा पहले आपको खेलना पड़ेगा। और देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन बस अच्छा करना दूसरा पे, मैंने वीडियो में जैसे बताया ना आपको कि हाफ स्टेप की डिस्टेंस रख के दूसरा को खेलना, यहाँ देखो, या फिर 1 स्टेप की भी डिस्टेंस रख सकते हो। अगर बिल्कुल धीमी गति से कैरम बॉल हो तो हाफ पिच पे आप खेलना, अच्छा तरीके से यहाँ पे कनेक्शन दे पाओगे, टाइमिंग दे पाओगे, ठीक है। अगर बिल्कुल धीमी गति से यहाँ पे दूसरा बॉल मिले तो देखो पिचिंग से जस्ट हल्का सा पहले, पिचिंग से देखो जस्ट हमने हल्का सा पहले प्रेस किया है, एकदम टप्पा होने वाली है गेंद और उसी टाइम यहाँ पे हमने प्रेस किया, देखो 6 रन मिल गए हैं। स्ट्रेट बॉल है तो सेम टू सेम आपको कैरम की तरह ये से ही खेलना है भाई, हर एक चीज़ की भाई टाइमिंग एकदम, मतलब दिक्कत आपको नहीं होने वाली, जितना प्रैक्टिस करोगे ना भाई उतनी अच्छी टाइमिंग होगी। अगर फास्ट मीडियम की फुल स्पीड बॉल होगी तो हाथ से जैसे ही बॉल रिलीज होने वाली होगी ना उसी टाइम आपको प्रेस कर देना है, एकदम छूटने वाली होगी गेंद उसी टाइम प्रेस करना, फिर 6 रन मिल जाएंगे।
और भाई अगर बिल्कुल धीमी गति की गेंद होगी फास्ट मीडियम की, तो देख सकते हो कि हाथ से गेंद मतलब हाफ पीस से जस्ट हल्का सा पहले आपको खेलना है, इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना। और मैं बता दूं कि आप फुल स्पीड बॉलर्स को खेलोगे, जैसे कि फास्टर हो गए, जैसे कि भाई यहाँ पे बटलर हो गए, इस टाइप के जो मतलब बॉलर्स हैं ना, उनकी फुल स्पीड बॉल पे आप इसे शॉट को ना खेलो तो ही बेहतर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे आप सिक्स नहीं मार सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है, तो आप उन पर ट्राई ना करो। स्पिनर या फिर फास्ट मीडियम, मीडियम फास्ट मीडियम, इस टाइप के बॉलर्स पे आप खेल सकते हैं। तो भाई लगभग हमने इस शॉट की पूरी डिटेल आपको दे दी है, फिर भी अगर मेरे से कोई भी चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबकी रिप्लाई कर दूंगा। और गाइज हमारी इस मेहनत के लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर दें।